हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। डियर स्टूडेंट्स, हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, अब करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हमने मेटल्स की क्या पढ़ेगी, वो सॉलिड होते हैं, लिक्विड होते हैं, गैसीय स्टेट में होते हैं, उनको हम पीट पीट कर पतली चादर में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, मलिएबल, डक्टिलिटी, सोनोरस, इस प्रकार की प्रॉपर्टी हमने पढ़ी, गुड कंडक्टर हैं या बैड कंडक्टर हैं। अब हम जो मेटल और नॉन मेटल हैं उनकी लैब के अंदर रिएक्शन करवाते हैं, और वो जैसे रिएक्ट कैसे करते हैं, ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, या करते हैं तो कैसा ऑक्साइड बनाते हैं, वाटर से रिएक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, ये केमिकल रिएक्शंस जो मेटल्स और नॉन मेटल्स की होती हैं उनकी प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे। हम अब तो देखिए, मेटल्स हैव 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल। जो मेटल होते हैं उनके जो लास्ट सेल होता है, आउटर सेल होता है, आउटर ऑर्बिट होता है, उसमें 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। और जिनके आउटर में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हें वो क्या होते हैं, मेटल होते हैं, वो मेटेलिक नेचर अपना शो करेंगे, ठीक है ना, वो मेटल होते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस याद रखना है, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन उसके लास्ट सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या है, ये हाइड्रोजन नॉन मेटल है, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है। 1 इलेक्ट्रॉन होते हुए भी ये क्या है, नॉन मेटल है। ये एक्सेप्शनल केस है, पूरी पीरियोडिक टेबल में साइंटिस्ट पहले तो इसका ना इसको मतलब बता ही नहीं पाए कि इसको रखें कहाँ, लेफ्ट में रखें या राइट में रखें टेबल के, फिर ये नहीं बता पाए कि मेटल है या नॉन मेटल है। तो अब इसकी जो ज़्यादातर प्रॉपर्टी है वो किससे मैच होती है, नॉन मेटल से मैच होती हैं। ये एक्सेप्शनल है कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में, एक ही सेल होती है और उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक नंबर पर आता है, तो ये फिर भी क्या है, नॉन मेटल्स है, ठीक है ना, ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है। हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल है, ठीक है। जो नॉन मेटल होते हैं जनरली उनके क्या होते हैं, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं लास्ट सेल में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और मेटल से क्या होते हैं, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब डियर स्टूडेंट, ये बड़ी ध्यान से देखने की बात है कि इनके 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, लॉस, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करते हैं। जो नॉन मेटल हैं ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, स्टेबिलिटी के लिए, ये 8 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन इसको कंप्लीट करने हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, अगर 7 हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। यानी कि नॉन मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है ना, ये बात आपको याद रखनी, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और ये इलेक्ट्रॉन अडेप्ट करते हैं, गेन करते हैं, ओके। अगर इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करते हैं, देते हैं, तो ये इनके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, तो ये मेटल्स क्या बनाएंगे, फॉर्म पॉजिटिव आयंस, ये पॉजिटिव आयंस बनाएंगे, इसलिए मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को, मेटल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये डोनेट कर देते हैं, और ये नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं, तो इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, और ये गेन करेंगे तो इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज ऑल ओवर ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब ये कैसे आयन फॉर्म करेंगे, नेगेटिव, नॉन मेटल फॉर्म नेगेटिव आयंस, ओके। सो नॉन मेटल कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। मेटल को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, क्लियर है। गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, तो ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं दूसरे को, उससे ऑक्सीजन छीन लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे को ऑक्सीजन देने का काम करते हैं, तो नॉन मेटल्स जो क्या होते हैं, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, इनके जो कंपाउंड होते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, क्लियर है।
और क्या बनाते हैं, मेटेलिक ऑक्साइड बनाते हैं, क्लियर है। नॉन मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल्स है ना, रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, ये भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, क्या बनाएंगे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब इसमें याद क्या रखना है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं आर ऑफ बेसिक नेचर, वो कैसे नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर। मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक, जैसे हमने लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम है, मेटल है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बनाया, मेटेलिक ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। कैल्शियम ऑक्साइड का नेचर कैसा है, बेसिक, इसको वाटर में रखेंगे तो क्या बन जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पानी, सेलेक्ट लाइम, ओके। ये बात आपको याद रखनी है, चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑफ बेसिक नेचर, ये बात आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, बेसिक नेचर। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड आर ऑफ एसिडिक नेचर, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, एसिडिक नेचर होता है। जैसे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस एटमोसफियर में वाटर से सोल्यूबल, घुल जाती है वाटर के अंदर एंड फॉर्म कार्बनिक एसिड, और क्या बनाती है, कार्बनिक एसिड, विच काजेज एसिड रेन, जो एसिड रेन का कारण बनती है, यानी कि इसका नेचर कैसा है, एसिडिक, क्लियर है ये बात। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर ऑफ एसिडिक नेचर। सल्फर डाइऑक्साइड, ये सल्फरस एसिड बनाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड की फॉर्मेशन करता है, ठीक है ना, ये बात आपको ऐसे अंदर याद रखनी। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस H2 गैस, मेटल्स जो हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं और कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं, H2 गैस प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट ही नहीं करते, मेटल वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं, नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं। अब कुछ मेटल तो डियर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो मैजिशियन हैं, जादूगर हैं, वो क्या रखते हैं, वो सोडियम है या पोटासियम वो अपने पास रख देते हैं, वो वाटर के अंदर उसको डालेंगे और वाटर के साथ वो इतनी विगोरसली रिएक्ट करते हैं, इतनी जल्दी से रिएक्ट करेंगे और वो रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा एग्जोथर्मिक होती है, उनके अंदर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है वो जलने लग जाती है, यानी कि वाटर के अंदर, पानी के अंदर भी आग लग जाती है, किससे, मेटल को जब वाटर के अंदर डालते हैं, कौन से मेटल को, सोडियम या पोटासियम को जब वाटर में डालेंगे तो उनमें आग लग जाएगी, क्यों, हाईली एग्जोथर्मिक रिएक्शंस, जो हम आगे रिएक्शन करेंगे उनके अंदर भी इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये ही याद रखना है कि मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर। अब जो मेटल हैं वो डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करते हैं और किसकी फॉर्मेशन होती है, साल्ट और हाइड्रोजन गैस की फॉर्मेशन होती है। मेटल्स डाइल्यूट एसिड, एसिड दो प्रकार के होते हैं, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट, लास्ट लेसन में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो ये डाइल्यूट एसिड से मेटल रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो है ये रिएक्ट ही नहीं करते नॉन मेटल। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको याद रखना है, पेपर में, एग्जाम में इसको पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये समझ में आएगा तभी आगे वाली रिएक्शन समझ में आएंगी। ये जो 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, इसको अच्छी प्रकार से आपको समझना है, उसके बिहाफ पर हम वैलेंसी भी फाइंड आउट करते हैं, जो आप 9th क्लास में सीख चुके हैं, ठीक है। वैलेंसी का टॉपिक भी एक अपलोड किया जाएगा वीडियो, तो उसको भी आप देखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स, इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हम रीड कर चुके हैं, तो इनको आप बड़ी अच्छी प्रकार से समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इनके बारे में, रिएक्शंस के बारे में। थैंक यू क्लास।